बारसोई थाना क्षेत्र में तूफान का ये जबरदस्त वीडियो सामने आया है। तेज बारिश और तूफान की गति को आप आंक सकते हैं। तेज हवा में रोड पर खड़ी एक ई रिक्शा खुद ब खुद चलने लगी है। उधर फलका थाना क्षेत्र के शब्दा पंचायत में वज्रपात से 60 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। कटिहार में आंधी और पानी ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। जगह जगह कच्चे मकान, पेड़ और पोल गिरने से इलाके में तबाही मची है। इस आफत में कुरसेला थाना क्षेत्र के महेशपुर बल्थी 61 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। यह हादसा खेत से मवेशी लेकर लौटने के दौरान पेड़ के नीचे छुपने पर डाली गिरने से हुआ है। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने आपदा में हुए नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने अलग अलग इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि पूर्णिया मौसम केंद्र को आधुनिक संयंत्र से अपग्रेड किया जाएगा ताकि लोगों को मौसम की जानकारी ससमय मिलेगी और नुकसान से बचा जा सकता है। हाँ, जानकारी मिली है कि रात में तूफान से जान माल का नुकसान हुआ है, फसल का भी नुकसान हुआ है और ठनका गिरने से दो हमारे ग्रामीणों का निधन भी हुआ है। तो हमारे बिहार सरकार के आपदा मद में जो प्रावधान है उसे तुरंत राशि भी दी जाएगी। और आपको पता है कि मैंने मौसम विज्ञान केंद्र को पूर्णिया को अपग्रेड करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह से भी हमारी बातचीत हुई है। इसमें कि रडार युक्त संयंत्र लगेगा और जैसे कि इस तरह के जो चक्रवात और तूफान हैं उसकी भी जानकारी पूर्व में मिल जाएगी तो हमें लोगों को चेतावनी देने में सुविधा होगी। यह केंद्र अभी सिर्फ पटना में है और पटना के बाद यह पूर्णिया में स्थापित होने जा रहा है और इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं हम सबों को आहत करती है। नुकसान को लेकर लेकिन प्राकृतिक जो विपदा है उससे जो जान माल की क्षति होगी तो उसके लिए बिहार सरकार हमेशा तैयार रहती है और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि आपदा से जो पीड़ित हैं उनका पहला हक राज्य के खजाने पर होता है। ऐसे तमाम पीड़ितों के प्रति हमारी संवेदनशीलता है और इस पर जो भी सरकार का प्रावधान है हम सब करेंगे। कटिहार और जल जमाव को लेकर क्या प्लानिंग कटिहार के लिए खास करते हैं? नहीं है ही, हम लोग ने तो पूरे बिहार में जितने भी नाला बने हुए हैं सबके उराही के लिए निर्देश दिया और सभी स्थानीय नगर निकाय में नाला की उराही तेजी से चल रही है। और कटिहार के बारे में तो मैंने बताया है कि 220 करोड़ के लागत से स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम की निविदा प्रक्रिया भी संपन्न हो गई है। अब कार्यारंभ भी हम लोग शीघ्र करने जा रहे हैं और तत्काल अगर इस तरह के जल जमा होंगे कटिहार सहित पूरे बिहार के किसी भी शहर में तो उसके लिए सभी प्रकार के जो आवश्यक संसाधन हैं उसे तैयार करने का निर्देश दिया है और जहाँ जहाँ लो लैंड है वहाँ पंप सेट की व्यवस्था मैंने सभी बिहार के स्थानीय नगर निकायों को निर्देश देते हुए कहा है कि जो वैकल्पिक व्यवस्था है जल निकासी का अभी से उसकी तैयारी पूरी कर लें।